तो भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच दूसरा ओडीआई मुकाबला 9 फरवरी 2022 वेडनेसडे को खेला जाएगा और यह मैच भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 से यानी कि 1:30 PM से यह मैच भी शुरू होने वाला है। गैरतलब है कि इंडिया वर्सेज वेस्टइंडीज के बीच 3 ODI मैचों की सीरीज है, जहां टीम इंडिया पहला ODI मुकाबला जीतकर इस सीरीज में ऑलरेडी 1-0 से बढ़त बना चुकी है। अब दूसरे ODI मुकाबले की बारी है, जहां ODI मुकाबले में कई सारे खिलाड़ियों की वापसी होने जा रही है। इस वीडियो में आगे दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 बताने वाले हैं, किन बदलाव के साथ दोनों ही टीम मैदान पर उतरने वाली है, जबकि इस मुकाबले की मैच प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट्स, वेदर कंडीशन, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और किसका पलड़ा है भारी, यानी कि कौन सी टीम मजबूत कौन सी टीम कमजोर है, स्टैट्स रिकॉर्ड्स भी आपको बताने और दिखाने वाले हैं। तो यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बात करते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट्स और कंडीशन के बारे में। तो इस मैदान पर पिछले जो 11 ODI मुकाबले खेले गए, पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम का एवरेज स्कोर यानी कि औसत स्कोर है 227 रन, जो पिछले 11 मैच खेले गए इस मैदान पर ODI फॉर्मेट के। चेस करने वाली टीम को 6 मैचों में जीत मिली है, यानी कि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम को 6 मैचों में जीत मिली है और 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। तो पहले बल्लेबाजी करना या फिर बाद में बल्लेबाजी करना, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इस पिच पर। तो वही अहमदाबाद की यह पिच एक स्पिन फ्रेंडली पिच मानी जाती है, जहां स्पिनर्स को काफी ज्यादा मदद मिलता है एज ए कंपेयर टू फास्ट बॉलर। हालांकि गेंदबाज भी असरदार साबित होते हैं, तो वहीं बल्लेबाजी भी ठीक ठाक की जा सकती है अगर शुरुआत में विकेट ना गिरे तो। बाद में बल्लेबाज बड़ी पारी खेल सकते हैं टीम के लिए। अब अगर हम बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, तो इन दो टीमों के बीच क्रिकेट के इतिहास में अब तक टोटल 134 ODI मुकाबले ही खेले गए, जिसमें से टीम इंडिया को जीत मिली है 65 मुकाबलों में, जबकि वेस्टइंडीज की टीम को इन 134 मुकाबलों में से 63 मैचों में जीत मिली है और 2 मुकाबले टाई रहे, जबकि 4 मैचेस नो रिजल्ट रहे। तो यहां हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी दोनों टीम लगभग बराबरी पर दिखाई दे रही है, लेकिन पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने एक तरफा वेस्टइंडीज टीम को हराया था। अब ऐसे में अगर वेस्टइंडीज की टीम बाकी बचे 2 ODI मैच में से एक भी मैच हारती है, तो यह सीरीज भी हार जाएगी, सीरीज गवा देगी और टीम इंडिया इस सीरीज पर कब्जा कर लेगा। भारत के लिए अब यह ODI सीरीज जीतना काफी आसान हो चुका है, मात्र एक मैच और जीतना है बाकी बचे 2 ODI मुकाबलों में। बात करें इंजरी और अवेलेबिलिटी रिपोर्ट्स के बारे में, तो गाइस जहां पहले ODI मुकाबले में मयंक अग्रवाल अवेलेबल नहीं थे, KL राहुल भी टीम में नहीं थे, लेकिन अब ये दोनों ही खिलाड़ी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हैं और सिलेक्शन के लिए भी अवेलेबल हो चुके हैं। जहां मयंक अग्रवाल इससे पहले क्वारंटीन में थे, इस वजह से पहले ODI मुकाबले में उन्हें नहीं खिलाया गया था, ईशान किशन को उनकी जगह पर मौका दिया गया था, जबकि KL राहुल अपनी सिस्टर की मैरिज अटेंड करने की वजह से पहला ODI मुकाबला नहीं खेले थे, लेकिन अब क्वारंटीन भी कंप्लीट कर चुके हैं, टीम को भी ज्वाइन कर चुके हैं, प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर चुके हैं और KL राहुल दूसरे ODI मुकाबले में खेलते हुए भी दिखाई देंगे। अब बात करें दूसरे ODI मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 और मैच विन प्रेडिक्शन के बारे में, कि आखिर दूसरा ODI मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है, तो इस वीडियो में आगे पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दूसरे ODI मुकाबले के लिए कुछ इस तरह से होने वाले दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11, जहां टीम इंडिया की तरफ से बतौर ओपनर बल्लेबाज नंबर 1 पर होंगे हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा कप्तान, जो करेंगे पारी की शुरुआत। नंबर 2 पर होंगे KL राहुल वाइस कैप्टन, जो काफी शानदार विस्फोटक की बल्लेबाजी करते हैं और दूसरे ODI मुकाबले में खेलेंगे, ये कंफर्म हो चुका है। बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर होंगे विराट कोहली, जो करेंगे वन डाउन की बल्लेबाजी। तो वहीं नंबर 4 पर ऋषभ पंत विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 5 पर सूर्य कुमार यादव, जबकि नंबर 6 पर होंगे खुड़ा, जबकि नंबर 7 पर वाशिंगटन सुंदर, नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर बॉलिंग ऑलराउंडर, जबकि नंबर 9 पर युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, नंबर 10 पर प्राची कृष्णा और नंबर 11 पर बेहतरीन स्पिनर युजवेंद्र चहल। तो ये रही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 दूसरे ODI मुकाबले के लिए। अब बात करें वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11 की, तो बतौर ओपनर बल्लेबाज नंबर 1 पर होंगे ब्रेंडन किंग, नंबर 2 पर साई होप विकेट कीपर बैट्समैन और ओपनर बल्लेबाज, ये दोनों ही बल्लेबाज करेंगे पारी की शुरुआत। हालांकि पहले ODI मैच में वेस्टइंडीज की टॉप ऑर्डर या फिर मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप रही थी, पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी भारतीय गेंदबाजों के सामने, जबकि नंबर 3 पर डेरन ब्रावो, नंबर 4 पर निकोलस पोरन और नंबर 5 पर सामरा ब्रूक, जबकि नंबर 6 पर कारन पोलार्ड कप्तान, जहां वेस्टइंडीज के ये सभी बल्लेबाज बढ़िया प्रदर्शन करना चाहेंगे, बल्ले से भी रन बनाना चाहेंगे दूसरे ODI मुकाबले में, जबकि नंबर 7 पर जेसन होल्डर बेहतरीन ऑलराउंडर, जिन्होंने पहले मैच में काफी शानदार बल्लेबाजी की थी, नंबर 8 पर अकील हुसैन स्पिनर ऑलराउंडर, नंबर 9 पर फाबियन आलम, ये भी एक शानदार स्पिनर ऑलराउंडर माने जाते हैं। अगर हम बात
पाक के नंबर 10 के तो नंबर 10 पर अलजारी जोसेफ, युवा तेज गेंदबाज नंबर 11 पर केमार रोच। तो गाइस ये वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 दूसरे ओडीआई मुकाबले के लिए। वैसे तो ये संभावित प्लेइंग 11 है दोनों ही टीमों की, लेकिन इस मुकाबले में लगभग 100% कंफर्म है कि यही प्लेइंग 11 दोनों ही टीमों की होने वाली है। अब बात करें मैच विन प्रेडिक्शन के बारे में कि आखिर दूसरा ओडीआई मुकाबला कौन सी टीम जीत सकती है, तो फिलहाल लड़ा तो टीम इंडिया का कहीं ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है वेस्ट इंडीज के खिलाफ है, और भारतीय टीम काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, बैलेंस टीम दिखाई दे रही है। तो वहीं वेस्ट इंडीज का रिकॉर्ड भले ही अच्छा हो लेकिन प्रदर्शन बिल्कुल ना के बराबर है। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें।